वालेकुम अस्सलाम। ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। योर सेल्फ। माई नेम इज असद अहमद। आई एम 11 ईयर ओल्ड। आई एम फ्रॉम जालौन यूपी। माई फादर नेम इज नफीस अहमद एंड माई फादर्स ऑक्यूपेशन इज बिजनेस मैन एंड माई मदर नेम इज नाजेश खातून। माई मदर ऑक्यूपेशन इज होम मेकर। I want to become an MBBS doctor. My favorite subject is science and my hobby is to playing cricket. That is all about my interview. Thank you. Okay, so you said your mother is a homemaker, right? Yes. So, yes. ये बताइए, what is the difference between housewife and homemaker? होममेकर में जो घर को संभालती है उसे कहते हैं होममेकर। और housewife? हाउसवाइफ जो घर घर का सारा काम करती है, यानी घर पर उसका घर पर जॉब ही होती है। चलिए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? साइंस। साइंस है। चलिए साइंस। ओके, तो असद, टेल मी, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? जी मैं। तो व्हाट टाइप ऑफ डॉक्टर डू यू वांट टू बिकम? आई वांट टू बिकम एन एमबीबीएस डॉक्टर। एमबीबीएस डॉक्टर, ओके, ठीक है। तो चलिए मुझे बताइए जरा कि हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करने का काम करता है? जी, हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन ब्लड पंप करने का काम करता है? हार्ट। हार्ट हमारी बॉडी में कहाँ लोकेटेड होता है? क्या जी मैम, हमारी बॉडी में हार्ट कहाँ पर लोकेटेड होता है, किस जगह पर होता है? लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, ओके। और हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं? 4 चेंबर्स। ओके, अच्छा, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ना? व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? डॉक्टर ही क्यों? देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस। बिकॉज क्योंकि मैं डॉक्टर बन, सबसे बड़ा रीजन है, मैं डॉक्टर बन के गरीबों मुफलिसों की मदद करना चाहता हूँ और गरीबों का फ्री इलाज करना चाहता हूँ, कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। और मेरा वाले साहब का भी ड्रीम है कि मैं डॉक्टर बनूँ। अच्छा, अगर आप फ्री में इलाज करेंगे तो फिर आप क्या खाएंगे? आपके भी तो नीड्स होंगे। जी, मेरा डॉक्टर है, मेरा भी डॉक्टर है। नहीं, आप अगर फ्री में इलाज करेंगे तो आपके घर की भी जरूरतें होंगी, पैसे आएंगे नहीं, फिर आपकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, अमीर होंगे तो उनसे पैसे लेंगे। सही है ना, पैसे वाले से पैसे लेंगे। चलिए, मैथ्स में क्या है आपका, मतलब मैथ्स कितना पसंद है आपको? हाउ मच डू यू लाइक मैथ्स? मैथ्स भी पसंद है। कौन सा टॉपिक आपका फेवरेट है मैथमेटिक्स में? सारे टॉपिक्स फेवरेट। सारे टॉपिक्स हैं। ओके, तो ये बताइए, अगर किसी स्फीयर का एरिया गिवन है, एरिया दिया हुआ है, तो उसकी साइड कैसे फाइंड करते हैं? किसका एरिया? एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन, आपको स्फीयर का एरिया दिया हुआ है, तो उसकी साइड कैसे फाइंड करेंगे? अंडर रूट साइड, अंडर रूट एरिया, अंडर रूट एरिया, अंडर रूट एरिया, वेरी गुड। अगर किसी स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है, हाउ डू यू फाइंड द एरिया? जी, पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले साइड निकालेंगे, साइड निकालने के लिए पेरीमीटर जो होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर जो साइड निकलेगी उसका स्क्वायर निकालेंगे साइड। ओके, असद, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, राइट? और अभी इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत फिर तो क्वेश्चन पॉलिटिक्स पे हो जाए, क्यों? डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स? नो। अच्छा, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, बट ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन? उत्तर प्रदेश के आई डोंट Okay. आप ये बताइए, हमारे एमयू की वाइस चांसलर कौन है? एमयू की वाइस, करंट वाइस चांसलर।
वाइस चांसलर। वैसे प्रोफेसर तारिक मंसूर थे पहले, लेकिन अभी करंट की बात करें तो मिसेस नईमा खातून है। असद, असद, आपको हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम पता है? पीटी वो पीटी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल, ओके। एंड हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के? डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, ये बताइए कि आप टीचर्स डे मनाते होंगे स्कूल में? टीचर्स डे? यस मैम। टीचर्स डे किसके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सॉरी, और चिल्ड्रंस डे? चिल्ड्रंस डे पंडित जवाहरलाल नेहरू और टीचर्स डे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ओके, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में कुछ और पता है आपको? जी, ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सर ये बताइए, वो वाज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडिया का सिटीजन कौन होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वॉइस लो आ, फर्स्ट फर्स्ट सिटीजन हम किनको कहते हैं, सिटीजन। सॉरी सिटीजन सिटीजन। सर, आई डिडंट। चलिए तो वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एएमयू? बिकॉज एएमयू की फैकल्टी एंड फैसिलिटीज बोथ आर वेल, एंड एएमयू टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आता है। और मेरे वाले साहब का सपना है कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर एएमयू से ही करूं, और हॉस्टल फैसिलिटीज भी अच्छी हैं एएमयू में। ओके, थैंक यू असद। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो बेसिक कुछ कुछ मिस्टेक्स उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बेटा, जब हम इंट्रो को शुरू करते हैं ना, तो इंट्रो में जैसे आपने बोला ईयर ओल्ड है ना, तो हम उसको बोलते हैं जी ईयर्स, लाइक आई एम 9 ईयर्स ओल्ड या 10 ईयर्स ओल्ड। दूसरा जो आप कह रहे थे माई फादर, फादर नेम या फादर का जो प्रोफेशन है वो फादर्स होगा, राइट, एपोस्ट्रॉफी एस लगता है। जरूरी नहीं है कि हम एज को बताएं, है ना, हमें बोलना क्या क्या है इंट्रोडक्शन में, हमें इंट्रोडक्शन में अपना नाम हो, पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन हो, और हमारी हॉबी, हॉबी आपने बताया, सब्जेक्ट आपने बताया, और एम बताया, ठीक है। जी अब इसमें एक चीज और जो ये करना है, जो आपने कहा होम मेकर, तो होम मेकर के बारे में अच्छे से जी मालूम होना चाहिए। जो भी चीजें आप बता रहे हैं, हाउसवाइफ और होम मेकर में क्या डिफरेंस होता है? हाउसवाइफ एक टर्म ऐसा है जो सिर्फ हम फीमेल के लिए यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं, मेल के लिए हम हाउसवाइफ को यूज नहीं कर सकते हैं। तो होम मेकर वर्ड जो लाया गया वो कॉमन जेंडर के तौर पे लाया गया कि एक फादर भी होम मेकर हो सकते हैं, समझ रहे हैं, तो डिफरेंस बिटवीन हाउसवाइफ एंड होम मेकर, समझ गए। साइंस में, साइंस में इनका ठीक था, सब कुछ नॉलेज अच्छी है इनकी साइंस की। जीके में प्रॉब्लम है बेटा, हाँ, पीटी पीटी जवाहरलाल नेहरू नहीं, कभी नहीं बोलते पंडित हैं, जवाहरलाल नहीं नेहरू बोलते पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा जो टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है वो डॉक्टर एस राधा कृष्णन, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, वो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ओके सर। और गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नर ऑफ उत्तर आनंदी बेन पटेल, श्रीमती आनंदी बेन पटेल या फिर मिसेस आनंदी बेन पटेल, ठीक है। और जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया से होता है वो प्रेसिडेंट होता है बेटा, प्रेसिडेंट होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट, तो स्टेट में आपका आता है गवर्नर, ओके, गवर्नर होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट, एंड प्रेसिडेंट होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और जो है इन सब चीजों को प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा आवाज को और बढ़ा करके ये करना है,
और एक चीज अच्छा था, जो चीज नहीं आ रहा आपने आई डोंट नो बोल दिया, और कभी भी जब आपसे पूछा गया करेंट वाइस चांसलर, तो हमें उनका नाम नहीं लेना है, तारिक मंसूर साहब का, है ना, जो अभी करेंट है जी का आप नाम लीजिए। और उनके बारे में उनका एक और अचीवमेंट क्या है कि शी इज द फर्स्ट लेडी वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ सकता है कि फर्स्ट लेडी चांसलर कौन थे? फर्स्ट लेडी चांसलर यस, एएमयू की लेडी चांसलर बेगम सुल्तान जहां, बेगम बेगम सुल्तान जहां, क्योंकि ये फर्स्ट वाइस चांसलर बनी है, तो जाहिर सी बात है वो चांसलर के बारे में पूछ सकते हैं कि फीमेल वाइस चांसलर कौन थे, फर्स्ट सॉरी चांसलर, तो बेगम सुल्तान जहां। ओके ठीक है, okay. चलिए ठीक। और कोई आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो? सर कॉन्फिडेंस बता दीजिए कैसे। कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, वहां पर सारे लोग जो है वो फ्रेंडली होते हैं, है ना। आज भी ठीक था, अच्छा था कॉन्फिडेंस। अच्छा बात चलिए ठीक है, ओके। बाय।